एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है कि नहीं सुना है? मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है, जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जया शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जया शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं, और आप यह बता रहे हैं कि जया शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह सही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। यह नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगे, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया, पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है को हमारी सीमा में घुसे, और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। अरे जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं, कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए, तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी, और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष होने के नाते
हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है, तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए। दोस्तों, हम एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दे। वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। और आज इस देश का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द यह है कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते इस देश के व्यापार को तबाह कर दिया गया है। दुख दर्द यह है कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। दर्द यह है कि हर 15वें 16वें मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। दर्द यह है कि शोषितों वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दर्द यह है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं, बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी? दर्द यह है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। यह इस देश का बुनियादी सवाल है। इस देश का बुनियादी सवाल रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का सवाल है।